शहर की वार्ड संख्या 18 के चमन चौराहा क्षेत्र में जियो कंपनी का 5G टावर लगाने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। बुधवार को आसपास के लोगों ने पार्षद भरत बागमार के नेतृत्व में एकत्रित होकर यहां पर टावर लगाने का विरोध करते हुए जियो टावर नहीं लगेगा के नारे लगाए। चमन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के बाद सभी क्षेत्रवासी पार्षद बागमार के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर सभी ने टावर के विरोध में ज्ञापन दिया। एसडीएम के नाम दिए गए ज्ञापन ने बताया क्या कि वर्तमान में शाहपुरा मोहल्ला ब्यावर में सार्वजनिक पार्क एवं सब्जी मंडी के समीप रामदेव मंदिर के पास रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का मोबाइल इंटरनेट ब्रॉडबैंड का मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। टावर लगाने के लिए मौके पर आवश्यक उपकरण एवं औजार इत्यादि लाकर रख दिए गए हैं, जबकि उक्त टावर स्थापित होने वाला प्रस्तावित स्थल मार्गाधिकार की भूमि है तथा उससे मात्र 15 से 20 मीटर की दूरी पर छोटे बच्चों का विद्यालय स्थित तथा आस पड़ोस में सघन आबादी क्षेत्र विद्यमान है। यहां पर पिछले काफी समय से यहां सब्जी मंडी संचालित हो रही है। वर्तमान में सभी सब्जी विक्रेताओं को मुख्य बाजारों से हटाकर प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यहां स्थान मुहैया करवाया गया है। सार्वजनिक पार्क में आस पड़ोसियों सहित शहर के बुजुर्ग एवं नौजवान मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मोबाइल टावर प्रस्तावित स्थल पर लगाया जाता है तो उससे मार्गाधिकार सहित आने जाने वाले राहगीर तथा यातायात भी प्रभावित होगा, साथ ही आसपास निवास करने वाले लोगों तथा छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए टावर निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद भरत बागमार, गोपाल कृष्ण, विशाल कुमार, लोकेश पुखराज, गोविंद सिंह, अवधेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, मुना लाल, मीना जांगीर, भरत मंगल, राधेश्याम, अंकेश जोशी, संजय पालड़िया, ईश्वर चंद तथा राम सागर आदि शामिल थे। वार्ड नंबर 18 के समस्त क्षेत्रवासी, आजू बाजू के एरिया के समस्त लोग यहाँ पर 5G टावर जो लग रहा है उसका विरोध करने आए हैं। हमारा विरोध करने का जो है वो मेन थीम ये है कि जो टावर जो लगाया जा रहा है वो सड़क के बीच में लगाया जा रहा है। नॉर्म्स के अंदर भी ये आता है कि सड़क के ऊपर किसी भी प्रकार का टावर नहीं लगाया जा सकता। जिस स्थान पर ये टावर लगाया जा रहा है उस जगह पर पूरे ब्यावर शहर की सब्जी मंडी को अभी हाल ही में शिफ्ट किया गया। ये सब्जी मंडी पिछले 10-15 सालों से यहाँ पर छोटे मोटे रूप में चलती आ रही थी, लेकिन अभी ब्यावर से चांगेर से 5 बत्ती के जितने भी सब्जी वाले हैं उन सबको उस टावर लगने वाली जगह के ऊपर सड़क के दोनों तरफ शिफ्ट किया गया। हमारा उपखंड अधिकारी जी से निवेदन था, मिलके आए, उनसे बात करी कि साहब जिस जगह पे टावर लग रहा है वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा, टावर के बिल्कुल एडजोइन पार्क लगा हुआ है, शहीद बाल विहार पार्क है, वहाँ पर बुजुर्ग सेहत लाभ के लिए सुबह और शाम टहलने आते हैं, बच्चे भी वहाँ पर खेलकूद के लिए आते हैं। सब चूँकि मेन रोड के ऊपर ये टावर लगाया गया है और सड़क के दोनों तरफ सब्जी मंडी के जो सब्जी बेचने वाले हैं वो लगे हुए हैं, इससे यातायात पहले से ही अवरुद्ध और प्रभावित रहता था और इस टावर के लगने से दुर्घटना और एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है।